परमेश्वर की स्तुति हो। प्रेरितों के काम 18वां अध्याय 25 व 26 वाक्य। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनता और सिखाता, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। 26वां वाक्य। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। अनुग्रहित वचन के आधार पर सुसमाचार को ग्रहण करें। विषय पर मनन करने में परमेश्वर हम सब की सहायता मदद करे। अपोलोस अलेक्जेंड्रिया का था, ऐसा हम 24वें वाक्य में देख सकते हैं। अलेक्जेंड्रिया के लोगों की एक विशेषता थी, यहूदी लोग उनकी संस्कृति के संबंध में अभिमान करते थे। इब्रानी भाषा में लिखे पुराने नियम को ग्रीक भाषा में लिखा सेप्टुआजिंट नाम से जाना जाता था। सेप्टुआजिंट बहुत ही अभिमान के साथ बहुत गहराई से पुराने नियम को जाने हुए अलेक्जेंड्रिया के लोग एक साथ मिलकर आराधना करने वाले सिनेगोग पुराने नियम की व्याख्या करते थे और एक दूसरे को पढ़ाते भी थे। उनमें से एक था अपोलोस, हम यहाँ यह समझ सकते हैं। इस तरह के बैकग्राउंड के साथ उनके पैतृकों को बहुत महत्व देकर भरे हुए थे अपोलोस, मसीह यीशु के मार्ग पर चलने लगे। पुराने नियम के पूर्तिकरण के लिए यीशु मसीह पैदा हुए, इस उपदेश ने अपोलोस को पूरी तरीके से बदल दिया। इस तरह पुराने नियम के पूर्तिकरण के लिए आए यीशु मसीह के विश्वासी वे बन गए। पुराने नियम को बहुत से तेज यहूदियों को भी मसीह में प्रकाशन मिले बगैर मसीह के उपदेशों को स्वीकार किए बिना जब वे भटक गए, तब उसी बैकग्राउंड से आए अलेक्जेंड्रिया के अपोलोस मसीह के उपदेश को ग्रहण मात्र ही नहीं किया पर प्रभु पर विश्वास किए कई लोगों के लिए उपयोगी भी साबित हुए। उपदेश प्राप्त किए अपोलोस ने गिरजाघरों में मसीह को बहुत ऊंचा ठहराया। अपोलोस की तीक्ष्णता को देख प्रिस्किल्ला और अक्विला उसे अपने साथ ले गए और परमेश्वर के मार्ग को अधिक स्पष्ट तरीके से समझाया। इस तरह अपोलोस से हम यह सीख सकते हैं कि ज़्यादा सीखने और पढ़ने के लिए वे विनयशील थे। अपने ज्ञान पर हम अहंकार ना करें, कुछ नहीं जानते, अभी जानने के लिए बहुत कुछ है। इस समझ के साथ विनम्र भाव के साथ यदि हम जीते हैं तो हम अनेकों के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अपोलोस अलेक्जेंड्रिया का है और हमारे जैसा पैतृक भूतकाल किसी का नहीं है, यह सोचकर अक्विला और प्रिस्किला की बातों का उन्होंने अपमान नहीं किया। पवित्र शास्त्र के अनुसार सामर्थी चतुर तेज अपोलोस प्रभु के दासों से मिलने वाली शिक्षा को हृदय से ग्रहण करने वाला बना। मसीह यीशु के उपदेश स्वीकार करने में किसी प्रकार की लापरवाही न करने वाला अपोलोस कुरुंथियों की सभा के लिए और क्रेता की सभा के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। इसीलिए प्रियो, हम चाहे कोई भी हो, कितनी भी संपत्ति और ज्ञान हासिल किए हुए हों, मसीह यीशु के उपदेश को हम ग्रहण करने वाले हों। इसीलिए सब कुछ जानते हैं वो भाव मसीह के नाम से हमसे दूर होने पाए। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। पवित्र पिता, हमने अच्छे से उपदेश देकर आपकी राहों पर आपकी इच्छा अनुसार चलाना, उपदेशों को ग्रहण कर अपने जीवन में उनकी पालना कर जीवन व्यतीत करने के लिए हमारी सहायता करें। यीशु के नाम में आमीन।